सीधा हो जाए तो ठीक है। ये हॉरिजेंट, हाँ ये हॉरिजेंट लाया हुआ है, ठीक है। अश्विनी सौदा जी, सुरेंद्र जी, दीवान, पुष्पेंद्र जी आ गए, धीरेन्द्र अवस्थी आ गए, अमित वाली आ गए, प्रदीप शर्मा आ गए, रितेश महेश्वरी आ गए, प्रवीण जी आ गए, योगेंद्र शर्मा आ गए, प्रोक्स चौधरी, दीपक बंसल, अमित वालिया, झज्जर से अभी तक। चलिए सबको नमस्कार। मित्रों, आज आपके साथ जुड़ने का अवसर फिर मैं ले पा रहा हूँ। कोशिश रहती है कि सप्ताह में एक, कम से कम एक बार नहीं तो दो बार आपके साथ मिलना हो जाए। तो आज सबसे पहले तो जैसा हम जानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो इस हिंदी पत्रकारिता दिवस के ऊपर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, क्योंकि पत्रकारिता में हमको पता है कि इस देश की हिंदी पत्रकारिता साइज के हिसाब से मैं समझता हूँ सबसे बड़ी पत्रकारिता यही है। आप लोगों ने चूँकि ये सारा कोरोना का जो कठिन परिस्थितियाँ हैं इसके अंदर बहुत ही मेहनत से, बहुत फील्ड में घूम घूम कर भी और पूरे स्टाफ के साथ इन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, ये कोई खतरे से खाली नहीं है। बहुत से पत्रकार पिछले दिनों में हमारे पीछे चले गए, हमको छोड़ के चले गए, मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि भी देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि सब लोग सुरक्षित रहें, सावधानी पहले, बाकी सब बाद में, जान है तो जहान है, इसलिए सावधानी। कोरोना की, भले ही कोरोना की सेकंड वेव डाउनवर्ड ट्रेंड पर है, लेकिन फिर भी सावधानी से न चूके। ये ऐसी बीमारी है, इसका कोई भरोसा नहीं कि कब ये घूम फिर करके वापस पहुंच जाए। मित्रों, कोविड के संबंध में जैसे ने बताया कि दूसरी लहर जो 12 मई के आसपास पीक पर थी, प्रदेश में लगभग 15,800 केसेस बीच में एक दिन आए थे, उस समय 1,16,000 एक्टिव केसेस हो गए थे। और उसके बाद जैसे उस समय आशा बन भी गई थी कि अब धीरे धीरे डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, और अब ये नीचे आ चुकी है, प्रतिदिन 2,000 से भी नीचे केसेस, कल 1,800 कुछ केसेस ही आए हैं। और कुल मिलाकर जो कोविड के एक्टिव केसेस हैं वो भी हमारे 3,000 समथिंग हैं, तो 3,000 समथिंग ही रह गए हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले एक सप्ताह में ये और डाउन जाए और कोरोना की इस बीमारी से किसी प्रकार से हम छुटकारा पा सकें, ये हमारी इच्छा है। फिर भी जैसा मैं वाक्य दोहराता हूँ हर बार कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, हम अच्छे की आशा करते हैं लेकिन किसी भी बुरे वक्त के लिए भी हम तैयार रहते हैं। अब क्योंकि ये महामारी एक मैन मेड तो नहीं कह सकते, इसको एक नेचुरल कैलामिटी टाइप है, तो कोई भरोसा नहीं है कि कब ये दोबारा से यू टर्न ले ले। कुछ लोग थर्ड वेव की बात भी करते हैं, ना आए अच्छा, हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अभी जो पोस्ट कोविड चैलेंजेस हैं उसमें ब्लैक फंगस नाम से जो बीमारी आई है, इसका भी चूँकि प्रकोप बढ़ चुका है, अब काफ़ी लगभग 750 केसेस कुल हरियाणा में आ चुके हैं, 58 केसेस इसमें ठीक होकर के घर जा चुके हैं, 50 के लगभग बंधु हमें छोड़ करके जा चुके हैं और शेष 650 के आसपास वो आज भी अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। जहाँ तक उसकी दवाई की बात है, दवाई की शॉर्टेज शुरू में काफ़ी थी लेकिन हमें बाद में धीरे धीरे अभी तक 6,000 से ऊपर वायल्स मिल चुकी हैं, जिसमें से आज हमारे पास 1,200 वायल्स उपलब्ध हैं, अगले 2 दिन में 2,000 वायल्स और हमारे पास आने वाली हैं।
निश्चित है, सुनिश्चित है, क्योंकि डेली जैसे सेंटर से मिलती है उसका कोटा जो मिलता है, हमारे पास 2000 का कोटा है और एक 5000 का ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये सारी वायल जिस प्रकार से आवश्यकता है उस हिसाब से हमें मिलती रहेंगी, क्योंकि ये दवाइयाँ ऐसी है कि प्रतिदिन देनी पड़ती है, कम से कम 2 इंजेक्शन, ज़्यादा ज़्यादा 5 इंजेक्शन, और उसके वेट के हिसाब से, शरीर के वेट के हिसाब से इनकी डोज जो है वो तय होती है। किसी को 50 वायल्स लगती हैं, किसी को 100 भी लगती हैं। तो जितनी आवश्यकता है उसका एक सरकारी सिस्टम हमने बनाया है कि एक टीम डॉक्टर्स की है जो जिसके फिजिशियन हैं पेशेंट को जो इलाज कर रहे हैं, वो एक फार्म भर करके उस टीम को भेजते हैं और टीम देख लेती है कि इनको कितनी वायल्स चाहिए, अब चाहिए या नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से निर्णय करके और वहाँ से सेंक्शन होती हैं और सरकारी सिस्टम से ही हरियाणा में उनको सरकारी जो अस्पताल में उसमें फ्री लगाई जाती है, कोई पैसा उसका नहीं लिया जाता। लेकिन प्राइवेट में जो कोई इलाज कर रहा है उसके जो पैसे लगते हैं वो पैसे उसको देने पड़ते हैं। एक स्कीम कल जो है वो घोषणा की गई है, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी घोषणा की और हमने भी यहाँ उसकी घोषणा की है, जिसमें मोटे रूप से जो सारे उसके प्रावधान हैं एक एक करके वो आपके सामने मैं रखता हूँ। पहले तो जो ऑर्फन्स हैं, ये मोटे रूप से उनकी स्कीम है जिनके दोनों माता पिता की डेथ हो गई अथवा दोनों में से जो कमाने वाले माता पिता में से थे उनकी डेथ हुई, अथवा जो उनके अभिभावक जिन्होंने गोद ले रखा था उस बच्चे को किसी कारण से पहले से, मानो वो किसी कारण से भी उसका माता पिता का साया नहीं रहा, उनको गोद लिया या कोई भी कारण हो सकता है, तो गोद लेने वाले माता पिता उनका देहांत हो गया, ऐसे ऑर्फन्स को ये स्कीम लागू होगी। इसमें कुछ चीज़ें केंद्र की ओर से प्रायोजित की जाएंगी, कुछ प्रदेश की ओर से की जाएंगी, तो जो कुल मिलाकर टोटल स्कीम उसकी बनी है उसमें ऐसे बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के जो किसी भी अपने एक्सटेंडेड फैमिली जिसको कहते हैं विस्तारित परिवार, यानी माता पिता ना होने के बाद भी बाकी जो उनको संभाल करने वाले हैं उनके साथ अगर वो बच्चा रहता है तो 2500 रुपया महीना उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी और 18 वर्ष तक ये सहायता चलेगी। और वो बच्चा विद्यार्थी काल जब उसका रहेगा तो उस विद्यार्थी काल में 12000 रुपया साल का ये अन्य खर्चों के लिए ये उनको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इन बच्चों का 18 वर्ष की आयु तक हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान भारत स्कीम में ये किया जाएगा, 5 लाख रुपए के ये एंटाइटल्ड होंगे और इसका जो प्रीमियम है वो सरकार देगी। जो आयुष्मान भारत के स्कीम के अंतर्गत जो बच्चे इनका प्रीमियम ये प्रधानमंत्री केयर्स फंड उसमें से दिया जाएगा। जो बच्चे छोटे हैं परिवार में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो ऐसे बच्चों को संस्थागत उनकी देखभाल की जाएगी, बाल देखभाल संस्थान चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन CCIs उनके अंदर रखा जाएगा। हरियाणा में 59 बाल सेवा संस्थान हैं तो इन बच्चों को वहाँ 18 वर्ष तक इनका सारा खर्च वहीं वहन किया जाएगा, इनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी की जाएगी और इस के साथ साथ उनका जो एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होगा, आवर्ती जमा खाता, जिसमें 1500 रुपये प्रतिमा 18 वर्ष की आयु तक डाला जाएगा। जो मैच्योरिटी उसकी जो अमाउंट है वो 21 वर्ष होने के बाद उस बालक को वापस उपलब्ध होगा। जो बच्चे 10 वर्ष से नीचे हैं ऐसे बच्चों को केंद्रीय विद्यालय अथवा किसी प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन वो ले सकेगा, उसकी फीस और अन्य खर्चे ये सरकार द्वारा दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में तो सारे खर्चे वो सरकार ही देती है, उसमें उसको कोई कठिनाई नहीं है। 11 से 18 वर्ष के बच्चों को सैनिक स्कूल अथवा नवोदय स्कूल इनमें एडमिशन लेने की छूट होगी, उसकी फीस राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत ये फीस स्कूलों को रियम्बर्स की जाएगी और अन्य खर्चे भी बच्चे को
सरकार की ओर से दिए जाएंगे। जो किशोरी छात्राएं हैं, अनाथ हो गई हैं, ऐसी छात्राओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इनमें एडमिशन ले सकेंगी। ये कुल संख्या में 36 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं और इनमें वो पढ़ाई कर सकेंगी। ये आवासीय विद्यालय होंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट इनको वहाँ पढ़ाई मिलेगी और इनको साथ ही 12,000 रुपया प्रति वर्ष का जो हम अन्य स्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को दे रहे हैं, जिनको 2,500 रुपया दिया जाता है घर में जो वो रहते हैं, लेकिन ये चूँकि आवासीय विद्यालय में इनको 12,000 रुपया वार्षिक वो इनको भी दिया जाएगा ताकि अन्य खर्चों में इनको काम आ सके। और जो ये अनाथ हुई बच्चियां हैं जो गांधी बालिका कस्तूरबा गांधी बालिका में जो दाखिला लेंगी, इनके खाते में 51,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट कराया जाएगा। जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना जो हम शादी के समय देते हैं, इन बच्चियों के खाते में अभी से जमा करा देंगे ताकि 51,000 रुपये की राशि का जो और इंटरेस्ट वगैरह जुड़ करके राशि बढ़ेगी तो विवाह के समय ये उनको मिलेगा। ये केवल किशोरी का है या सभी बालिकाओं का है? 51,000 रुपये तो किशोरी बालिकाओं, किशोरी बालिकाओं का जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ेंगी, क्योंकि बाकियों के तो खाते में हम अलग से पैसे जमा करा रहे हैं। 8वीं से 12वीं बच्चों को हमारे शिक्षा विभाग की ओर से पहले से ही पूरे हरियाणा के सब बच्चों की हमने योजना बनाई है, उसमें इनको भी उसका लाभ मिलेगा। वोकेशनल पाठ्यक्रम हो या 8वीं से 12वीं, उन बच्चों को टेबलेट्स ये दिए जाएंगे। वो तो शिक्षा पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए, तो इनको भी वो लाभ मिलेगा ही। एक योजना केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है प्रधानमंत्री केयर फंड्स की ओर से, हर एक बच्चे का 18 वर्ष की आयु पर, ऐसा अनाथ जो है 18 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपया कॉर्पस फंड में डाल दिया जाएगा। और 10 लाख रुपया कॉर्पस फंड में डालने के बाद 23 वर्ष तक उसका जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो उस बच्चे को हर महीने मिलेगा। 23 साल का होने पर 10 लाख पूरे की पूरी राशि उस नौजवान को, क्योंकि वो 23 वर्ष का हो गया तो बच्चा नहीं है, नौजवान को अपने व्यवसाय को चलाने के लिए या अपने आगामी जीवन को चलाने के लिए 10 लाख रुपया उसी को मिलेगा। हायर एजुकेशन किसी ने पढ़ाई करनी है 18 वर्ष के बाद, तो उसको एजुकेशन लोन की व्यवस्था की गई है हायर स्टडीज़ के लिए, और उस एजुकेशन लोन में जो इंटरेस्ट होगा वो पीएम केयर्स फंड से ये दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक ऐसे बालक जो अनाथ हो गए, माता पिता का साया सिर से उठ गया, तो उनकी सहायता करना, उनकी पढ़ाई में उनको आगे बढ़ाना, उनका जीवन में अपने पैरों पर खड़े हो सकें इस लायक बनाना, ये जिम्मेवारी सरकार ने अपने जिम्मे ली है। एक संवेदनशील सरकार, एक मानवीय आधार पर जो चीज़ें मैक्सिमम की जा सकती हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं। हम लोग हरियाणा सरकार में भी जो ज़्यादा ज़्यादा संभव है उसको हम कर रहे हैं। कुछ योजनाएं और हैं जिनकी घोषणा मुझे करनी है, और उसमें मुख्य रूप से दो योजनाएं कृषि से जुड़ी हुई सिंचाई विभाग की योजनाएं हैं, जिसमें हमारा जो माइक्रो इरीगेशन काडा का डिपार्टमेंट है, इन्होंने उन योजनाओं को अपने हाथ में लिया है। और उसके लिए जैसा हम जानते हैं कि आज हरियाणा में 15,006 रजवाहे हैं नहरों से आगे पानी की चेन सप्लाई करने के लिए, और उस सप्लाई के जो छोटे खाले रजवाए 15,000 की संख्या है। इसमें 3,512 कच्चे हैं, 11,494 पक्के हैं। तो जो कच्चे हैं इनको पक्का करना, और जो पक्के हैं उनमें से भी 20 साल से पुराने जो हो गए हैं उनका सबका पुनर्निर्माण करना, ये योजना 3 साल के लिए हमने ली है। और इसके साथ ये शर्त भी लगाई है कि माइक्रो इरीगेशन जो करेंगे उनको प्राथमिकता पर, चाहे बिजली ट्यूबवेल कनेक्शन होंगे चाहे सिंचाई की योजनाएं होंगी, तो इनको माइक्रो इरीगेशन की प्राथमिकता जो लगाएगा उसको प्रथम उसको सेवा दी जाएगी। 70% अपने खेत में माइक्रो इरीगेशन पर ये लोग आए, तो इस प्रकार की योजना बनाई गई है। 3 परियोजनाओं जिसमें भाखड़ा कैनाल कमांड फेज 2, WJC कैनाल फेज 4, JLN कैनाल कमांड फेज 2, इनके
जो 1546 रजवाए हैं इन 15,000 में से, उनको सबको पक्का किया जाएगा, जिससे 5,75,000 एकड़ ये ज़मीन जो है इसकी सिंचाई होगी। इस पर लगभग ये काम सब 2025 तक पूरा होगा। लगभग 3700 करोड़ रुपया इस पर खर्च आएगा और ये 3700 करोड़ रुपया नाबार्ड से सहायता लेकर और ये डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। इसी साल से ये काम शुरू होगा, 2021 से लेकर के और 2024-25 तक, 2021-21-22-22-23-23-24-24-25, तो कुल मिलाकर 5 साल में ये काम करने के लिए और ये योजना बनाई गई है, ताकि पानी की बचत भी हो सके और किसान को आवश्यकता अनुसार सिंचाई करने के लिए पानी मिल सके। इसी प्रकार दूसरी जो योजना है, हमने घोषणा की थी बजट सत्र में कि गांव से गांव जोड़ने के लिए 5 क्रम के जितने रास्ते उनको सबको पक्का किया जाएगा, उसकी योजना अभी इसी सप्ताह में डिपार्टमेंट ने बनाई है। ऐसे 475 कच्चे रास्ते जिनकी लंबाई 1225 किलोमीटर है, इन सबको 2023-24 तक पूरा कर लिया जाएगा। 490 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी और ये भी नाबार्ड से ही ली जाएगी। दो योजनाएं स्थानीय निकाय विभाग ने ये बनाई हैं, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, कई वर्षों से जो एक जिसको कहना चाहिए हमारे ऐसे लोग, शहरी लोग जो मकान अथवा दुकानें जिन्होंने बहुत पहले लीज पर ले ली थी, अब लीज के बाद कईयों को उसको बेचने की आवश्यकता थी, किसी ने लीज की चीज़ हालांकि बेची नहीं जा सकती लेकिन लोगों ने बेच दी, कहीं कोर्ट के केसेस हो गए, कहीं कॉरपोरेशन के साथ झगड़े हो गए। हमने योजना बनाई है कि 20 वर्ष या इससे ज़्यादा जिन परिवारों के कब्जे में लीज के कारण से जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो दुकान है चाहे मकान है, ऐसे सब उनको मलकियत का अधिकार दे दिया जाए, उनको मालिक बना दिया जाए। और मालिक बनाने के लिए एक स्कीम की आज मैं घोषणा कर रहा हूँ कि ऐसे 31/12/20 तक जिनको 20 वर्ष हो गए हैं, अर्थात जिन्होंने लीज इस शताब्दी की बजाय पिछली शताब्दी में ली थी, 1 जनवरी 2000 से पहले जिन्होंने लीज पर ली हुई है, उन सब के लिए योजना है, जिसमें वो लोग एप्लीकेशन देने के बाद और इस योजना के हकदार हो जाएंगे, उनसे जो पैसा लिया जाएगा उसमें बहुत एक सामान्य हिसाब बनाया है कि जो कलेक्टर रेट है उस कलेक्टर रेट में छूट दी जाएगी। छूट कितनी होगी? अगर 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं उसके कब्ज़े को, अर्थात 1970 से पहले से है, तो उनको कलेक्टर रेट का 50% दिया जाएगा। 45 वर्ष पहले है तो उनको 45% की छूट दी जाएगी। 40 वर्ष से पहले का कब्ज़ा है तो 40% छूट दी जाएगी। 35 वर्ष पहले से है तो 35% छूट दी जाएगी। 30 वर्ष पहले से है तो 30% छूट दी जाएगी। 25 वर्ष पहले है तो 25% छूट दी जाएगी। और 20 वर्ष पहले का कब्ज़ा है जो न्यूनतम शर्त है तो उसमें भी 20% की छूट दी जाएगी आज के कलेक्टर रेट में, लेकिन अधिकतम ये 50% ही रहेगी। कोई अगर ये कहे कि 100 साल पुरानी उसके कब्ज़े में है तो फ्री मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम छूट 50% होगी, तो ये 20% से लेकर 50% की कलेक्टर रेट में छूट की दर पर उनको दिया जाएगा। बाकी प्रोसीजर हैं, अप्लाई कराएंगे, 1 महीने में उस अप्लाई करने पर किसी को एतराज़ आपत्ति होगी तो आपत्ति दर्ज कराएंगे, 1 महीने में उसका निपटारा होगा, अगले 15 दिन में उसको 25% पैसा देना होगा और फिर आगे 45 दिन में उसको पूरा 75% पैसा देना होगा। जब पूरा 100% पैसा उनकी ओर से आ जाएगा तब उनके नाम वो जो ज़मीन मकान और प्लॉट, जो मकान और दुकान, वो उनके नाम कर दी जाएगी। अगर मकान और दुकान 2 मंजिल है, 3 मंजिल है और 2 या 3 अलग अलग लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, अलग अलग रसीदें कटाई हुई हैं, उसमें भी अलग अलग से उनको पैसा देना पड़ेगा। अगर 2 मंजिल है तो प्रथम तल 60%, द्वितीय तल 40% और अगर 3 मंजिल है तो उनको प्रथम तल 50%, यानी बेस भूतल जिसको कहना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर 50%, प्रथम तल 30% और द्वितीय तल 20%, ऐसा ये 100% का बंटवारा होगा। छत का अधिकार जो सबसे ऊपर वाला मंजिल का व्यक्ति होगा उसको होगा, लेकिन उसके ऊपर निर्माण नहीं कर सकेगा, केवल छत का उपयोग जो करना होता है वो छत का उपयोग उस प्रकार से वो कर पाएगा। तो ये सारे इसके अंदर एक प्रावधान किए गए हैं। बहुत लंबे समय से ये मांग चलती आ रही थी,
तो इसका हमने प्रावधान किया है। और ये अब समझो कल 1 तारीख है, कल से इस योजना का शुभारंभ मानना चाहिए, आज इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो कल से इस योजना को हम शुरू करेंगे। और जो 20 साल जिसको 31/12/2020 तक हो गए हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे। एक दूसरी योजना वो भी घोषणा कर रहा हूँ कि शहरों के अंदर बहुत से ऐसी भूमि म्यूनसिपैलिटीज़ की ये पड़ी हुई है, बेकार है, कहीं कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी के बीच में घिरी हुई पड़ी है, रास्ता नहीं है, या कहीं कहीं अनुपयोगी हो गई है, छोटा टुकड़ा है, तो ऐसे टुकड़ों को साथ लगते प्लॉट धारक को या कोई भी उसको खरीदना चाहे तो उसको बेचने का म्यूनसिपैलिटी को एक प्रावधान कर दिया गया है कि मूल्य निर्धारण करा करके मूल्य निर्धारण की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, चाहे वो बैंकिंग की व्यवस्था मूल्य निर्धारण की उस अनुसार करें, चाहे इंश्योरेंस की मूल्य निर्धारण की व्यवस्थाएं उस अनुसार होगी, तो ऐसी 2 या 3 व्यवस्थाएं ऐसी बनी हैं। मूल्य निर्धारण थर्ड पार्टी करेगी, सरकार नहीं करेगी, तो जो थर्ड पार्टी द्वारा मूल्य निर्धारण होकर के उसका कीमत होगी, उस कीमत पर जो अप्लाई करेंगे उस अप्लाई करने वाले को उसको दे दिया जाएगा। तो पहले ये इस प्रकार का प्रावधान न होने के कारण से बहुत प्राइवेट लोगों को भी उसका कठिनाई थी, और उनके बीच में कहीं उनके प्लॉट को 2 हिस्सों में बांटते थे, खास करके जो गांव शहरी क्षेत्र के अंदर विलीन हो गए हैं उन गांव के राजस्व रस्ते जो होते थे, आज वो राजस्व रस्ते किसी के उपयोग के नहीं हैं, क्योंकि सड़कें डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से अलग बन गई हैं और वो लोगों की ज़मीन के बीच के रास्ते हैं, लोगों को उसका उपयोग करना है अपनी ज़मीन का, वो बीच में अड़चन बनती है। पहले ज़मीन को बदलने का जो प्रावधान था कि इतनी ज़मीन लेकर के इतनी वापस करते थे, उसमें से एक सहूलत दे करके कि उस ज़मीन को जो बाज़ार भाव है उसके हिसाब से उनको बेच दिया जाए। हाँ, म्यूनसिपैलिटीज़ इस पैसे का उपयोग अपने दैनिक खर्च में नहीं करेंगे, उसको एक अलग अकाउंट में रखेंगे, वो एसेट्स बनाने में, चाहे तो ज़मीन बनाने में या कोई भवन बनाने में, उस एसेट क्रिएशन के अंदर ही उस पैसे का उपयोग हो पाएगा, अपना डे टू डे जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है उसके अंदर उस पैसे को खर्च नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर ये 4 स्कीमें, 2 ULB की और 2 इरिगेशन की, एक इरिगेशन की है, एक रास्ते की है, मार्केट कमेटी की, मार्केटिंग बोर्ड की, तो ये 4 स्कीमें मैंने आपके सामने घोषणा करनी थी। और एक जो ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनको एक सहायता कल प्रधानमंत्री जी ने भी की है, हमने भी की है, उसको दोहराना था। कुल ये विषय आपके सामने रखने थे और आपको मैंने शुभकामना दी है हिंदी दिवस की, तो कुल मिलाकर आपकी ओर से एक विषय और जो मुझे रखना है आपके सामने कि जैसे कोविड है, तो कोविड में हम लोग सावधानी बरतते हैं, सारे जो हमने महामारी अलर्ट घोषित किया हुआ है उसकी कल अवधि पूरी हो रही है 31 तारीख प्रातःकाल 5 बजे, तो उसको आगे के लिए भी, क्योंकि अभी एकदम हम ऐसा अपने आप को ये ना माने कि कोरोना से बिल्कुल निजात मिल गई है, तो कुछ छूट देते हुए उसको फिर से दोबारा 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 7 जून तक प्रातःकाल 5 बजे तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा। तो इसमें सबसे पहले जो दुकानें खुलने का समय है उसको जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले जिन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खुला जाए, तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा। और उसी प्रकार से ऑड इवन हिसाब से चलेगा, ऑड जो डेट है तो ऑड नंबर की दुकानें, इवन डेट है तो इवन नंबर की दुकानें ये खुलेंगी, ये प्रावधान भी उसी हिसाब से ये चलेगा। आंगनवाड़ी क्रच, इनको जैसे पहले बंद हैं इनको भी 30 जून तक बंद रखा जाएगा। कॉलेज और ITIs और जैसे स्कूल भी हमने बंद किए हैं, ये भी 15 जून तक सब बंद रहेंगे। मॉल जो बाज़ारों में हैं उनको खोलने का प्रावधान किया है कि कितना एरिया है उस मॉल का, उसके हिसाब से उसको हर घंटे उपस्थिति की छूट दी है। 25 स्क्वेयर फुट पर एक व्यक्ति, यानी अगर 1000 स्क्वेयर फुट का वो मॉल है तो उसमें 40 व्यक्ति एट ए टाइम अंदर रह सकते हैं, अगर 2000 का है तो 80 लोग रह सकते हैं। इसी हिसाब से जितना एरिया है
उस एरिया का बता करके और अपना कोई ऐप बनाएंगे वो, कि पहले से प्री अपॉइंटमेंट लेकर के लोग आएँ और उस हिसाब से एंटर करें, और जो एंटर किए हैं वो बाहर आते हैं, तब जितने बाहर आते हैं उतने अंदर जा सकते हैं, एक घंटे के लिए अंदर रहेंगे, एक घंटे के बाद उनको बाहर आना और दूसरे घंटे वाले उनको अंदर भेजना, इसका रेगुलेशन ये मॉल्स के लोगों को बनाना होगा, बना करके और डिप्टी कमिश्नर से वो जो भी प्रावधान वहाँ डीसी करेंगे उस हिसाब से परमिशन लेकर के और उसको वो चला सकते हैं। लेकिन इसका समय भी सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम के 6 बजे तक रहेगा, तो इस नाते से उसका उपयोग वो कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जितने विषय मुझे अपनी ओर से आपके सामने रखने चाहिए थे वो सब मैंने रखे हैं। अब आपकी ओर से यदि कोई विषय आता है, उसका एक पर्ची आई है कि इंडस्ट्रीज़ का क्या रहेगा, तो इंडस्ट्रीज़ जैसे पहले चल रही हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लागू करते हुए, मास्क है, दूरी रखना है और सैनिटाइज़र का उपयोग है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और इंडस्ट्री जैसे पहले चल रही है वैसे ही चलेगी, ऑफिस जैसे 50% अटेंडेंस के साथ पहले चलते थे उसी हिसाब से चलेंगे, नाइट जिसको कोरोना कर्फ्यू कह सकते हैं वो 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू भी रहेगा। कोई भी हमारे सज्जन जो कोई, क्योंकि आज हमने ये सुविधा दी है सबको कि भी कोई प्रश्न आप सीधे भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, पिछली बार हमने ऐसा नहीं किया था, तो अपना जो हाथ खड़ा करेंगे, रितेश महेश्वरी जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। रितेश जी धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, सबसे आपको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं जो अपने बच्चों का ख्याल रखा है। एक सवाल इसमें एक मेरा और, ये जो मध्यम वर्ग परिवार है या मध्यम वर्ग के जो लोग हैं जिनका थोड़ा छोटा कारोबार था, 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ का कारोबार था, उनके लिए सरकार क्या योजना है, क्योंकि उनकी इस महामारी में सबसे पीड़ित व्यक्ति वही हुए हैं, उनकी दुकानों के भी किराए देने हैं और स्टाफ की सैलरियां भी देनी है उनको। देखिए पिछली बार हमने इस विषय को इस ढंग से सोचा था, क्योंकि लॉकडाउन जो किया था उस लॉकडाउन की अवधि बहुत लंबी चली थी। मुझे जहाँ तक ध्यान है कि मार्च में ही लॉकडाउन शुरू हो गया था और ये जून तक जुलाई तक चला था, यानी लगभग 4 जुलाई तक भी चला था और बाद तक भी चला था, तो 5-6 महीने लग गए थे। हाँ, अनलॉक फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 वो भी चलाया, तो उस समय कठिनाइयाँ कुछ ज़्यादा थी। इस बार तो ये सारा जो लॉकडाउन का विषय है ये अप्रैल के महीने में शुरू करके और अब मई तक लगभग इसको समाप्त कर दिया, पिछले सप्ताह से ही हमने दुकानें खोल दी थी, तो 1 महीना 1.5 महीना ही हुआ था। इस 1-1.5 महीने में कठिनाई वैसे तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, लेकिन उस प्रकार की कठिनाई जैसे पिछली बार हमने पहली लहर के समय, वो हमारे लिए एक नया भी विषय था और लंबा चल रहा था, तो उसमें लॉकडाउन भी बहुत लंबा चला, लॉकडाउन के साथ अनलॉक 1, 2, 3 वो भी लंबा चला, तो लगभग 6 महीने लग गए थे। उस समय मैंने कुछ सुविधाएं दी थी, बिजली की दी थी, बाकी सब लोन की व्यवस्था की थी, सब किया था, लेकिन इस बार ऐसी व्यवस्था नहीं की है। इस बार जो कोविड से, क्योंकि मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, लगभग 7,000 के आसपास लोग जान गंवा बैठे हैं, तो उनके परिवारों की चिंता करना और उन गरीब परिवारों में जिनका कोई व्यक्ति कोविड से चला गया है, ऐसे लोगों को मैंने 2 लाख रुपये की व्यवस्था की है, वो उसको दे रहे हैं, दवाई की व्यवस्था हम कर रहे हैं, इलाज की व्यवस्था हम कर रहे हैं, तो इसलिए इस पर अभी मैं समझता हूँ इतना कोऑपरेट करना, हम भी अपेक्षा करते हैं कि सब लोग कोऑपरेट करें, 1-1.5 महीने की व्यवस्था में कोई ऐसा विषय नहीं आता है। हाँ प्रदीप जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार प्रदीप जी। मैं सर ये जानना चाहता था, एक तो जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है उसकी आजकल काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो पहला प्रश्न तो मेरा ये था कि हरियाणा के पास एज ऑफ नाउ हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। दूसरा हमने एक घोषणा की थी, आपने भी की थी, हर दोस्तों ने की थी कि आप ग्लोबल टेंडर करेंगे एक करोड़ वैक्सीन के लिए, तो अगर उससे कुछ प्रोग्रेस है इससे क्या करें, क्या है हुआ है ग्लोबल टेंडर? ग्लोबल टेंडर हो गया, हो गया कल, हो गया, हाँ, फ्लोट हो गया।
क्योंकि मुझे एक दिन पहले की जानकारी थी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने मुझे परसों बताया था कि कल हम करने वाले थे, कल की जानकारी मैंने ली नहीं है, तो अभी बता रहे हैं हमारे एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी कि कल इसका ग्लोबल टेंडर हो गया है। अभी तक 58 लाख लोगों को वैक्सीनेशन के इंजेक्शन लग चुके हैं और आगे रेगुलर स्पीड जो हमारी 50,000 की 60,000 की है वो डेली लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही वैक्सीनेशन के इंजेक्शन हमारे पास उपलब्ध होंगे तो ये 2 लाख प्रतिदिन लगाने की भी हमारी आगे योजना है। इसमें क्योंकि दो प्रकार से ये सब इंजेक्शन लग रहे हैं, 45 वर्ष से ऊपर और 18 से 45, और इसमें भी 18 से 45 में भी हमने वर्क प्लेस पर कुछ विशेष कैटेगरीज जो हैं उनके लिए व्यवस्था की है ताकि उनको पहले लगाया जाए। सरकारी कर्मचारी हैं उनको पहले 20% का कोटा उसमें उनको रखा है ताकि जो आवश्यकता जिनकी पहले है उन सबको लगाएं। कल से योजना हमने बनाई है कि जो बड़ी आयु के लोग हैं उनके भी उनको हम वाहनों की व्यवस्था करेंगे, खास करके जो दूरदराज गांव में रहते हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर पर आ नहीं सकते हैं तो उनको एम्बुलेंसेस भेजेंगे। हमारे पास जो पुलिस की गाड़ियां इस काम के लिए हमने लगाई थी 500 गाड़ियां वो भेजेंगे। हमारी जो रोडवेज की बसें हैं 125 जिनको हमने एम्बुलेंस के रूप में उपयोग किया, अब उसका उपयोग उतना नहीं रहा है, उनको भेज करके और उन लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर लाएंगे। और कुछ संस्थाएँ हैं उनको हमने कहा है कि उनको भी ऐसे जो दिव्यांग बंधु हैं या जो बड़ी आयु के हैं उनको ला करके और उनको ड्राइव इन जैसा एक प्रोग्राम हमने चलाया था ड्राइव वैक्सीनेशन, तो ड्राइव वैक्सीनेशन में माध्यम में गाड़ी में बैठे बैठे ही उनको इंजेक्शन लगाया जाए ताकि आधा घंटा उसमें आराम करें, बाद में उनको घर में छोड़ के आया जाए। ऐसी सुविधाएं जो लोगों की आवश्यकता है उनको हम दे रहे हैं, और जैसे वैक्सीन का हमारा इंजेक्शन का उपलब्धि बढ़ेगी, स्टॉक बढ़ेगा, तो इस संख्या को जो 50-55 हज़ार है इसको हम 2 लाख तक भी ले जाएंगे। मनोज जी, अनम्यूट करो, मनोज जी अनम्यूट करो पहले। हाँ ठीक है जी, जी 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 नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी आ रही जी। मुख्यमंत्री जी, अस्पतालों के माध्यम से जो लोगों का इलाज किया गया, अब कई शिकायतें आ रही हैं। हाल ही में ध्यानचंद गुप्ता जी जो कि स्पीकर हैं आपसे मिले भी थे, उन्होंने कुछ अस्पतालों की बिल प्रदेश में जो निजी अस्पताल हैं उसके अस्पताल जो इलाज किया, क्या उनके बिलों पर कोई अपडेट करवा सकी, उनकी जाँच करवाने का कोई आश्वासन चुके हैं या करने जा रहे हैं? देखिए मनोज जी, अभी मुझे भी मिले थे हमारे स्पीकर साहब, उन्होंने बताया था, हेल्थ मिनिस्टर साहब को भी मिलके वो आए थे, तो हमने ये तय किया है कि 3-3 लोगों की कमेटी जिला स्तर पर बनाई गई है और उसमें नए निर्देश दिए हैं कि उसमें सीए भी वो जोड़ लें, और पहले खेप में जिनकी शिकायतें आएंगी उस शिकायत के आधार के ऊपर ऐसे सब अस्पतालों को उस बिलों की जाँच करके, और पहला काम है उन बिल्स में जो बढ़ी हुई राशि उन्होंने ली है उसको वापस कराएंगे, और अगर वापस करने में आनाकानी किसी ने की तो फिर उसके खिलाफ एक्शन, वो एक्शन किसी भी सीमा तक जा सकता है। ऐसी शिकायतें सब कंप्लीट होने के बाद फिर एट रैंडम कुछ हॉस्पिटल्स में जाकर के ऑडिट भी करेंगे ताकि उस ऑडिट के माध्यम से जानकारी मिल सकेगी कि किसने पैसे जो रेट्स तय हैं उसके हिसाब से लिए हैं कि इन्होंने ज़्यादा लिए हैं। मेरी स्वयं 1-2 प्राइवेट हॉस्पिटल के लोगों से बातचीत हुई है, उनका हमने तो जो रेट्स तय किए थे वो लिए हैं, एक भी पैसा ज़्यादा नहीं लिया। ये हॉस्पिटल बड़ी संख्या में नहीं है, कुछ एक संख्या में ऐसे हैं जिनकी शिकायतें मिल रही हैं। एक शिकायत तो बहुत भयंकर मुझे मिली है और उसका हमने कह दिया उसकी चालान करने के लिए, फिर उसको कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए, उन्होंने कोविड पेशेंट को एडमिट किया और 2 दिन बाद उसका टेस्ट लेके उसको नेगेटिव दिखा दिया, 2 दिन में रेट उसके ठीक लिए गए जब तक वो कोविड पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव दिखा करके फिर उसका इलाज कर दिया। अब उनको पता है कि ये कोविड के ऊपर ही लागू होते हैं, कोविड के अलावा लागू नहीं होते, तो पॉजिटिव को नेगेटिव दिखा करके इलाज करके उसका पैसा ज़्यादा ले लिया। तो इस प्रकार की समस्याएं भी लोग रास्ता निकालते हैं भ्रष्टाचार के नए, तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान कर रहे हैं और एक एक चीज़ का नोटिस लेंगे। हाँ, जिनको शिकायत है उनको शिकायत के लिए आगे भी आना चाहिए, कई लोग शिकायत तो करते हैं लेकिन शिकायत के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों को बताते नहीं हैं, ये भी उचित नहीं है। मैं अपील करता हूँ सब लोगों को कि अगर किसी ने जो रेट लिस्ट बनी है घोषित है सबको बता रखा है, अखबारों में आया, सब जगह आया, 8,000 से लेकर 18,000 रुपये तक रेट्स हैं,
ऐसे 8 और 18 के बीच वो जैसी सुविधा उनको मिली है, जिस टाइप का हॉस्पिटल है, और इससे ज्यादा किसी ने लिया है, तो उनको आगे आकर के शिकायत करनी चाहिए। आगे जरा एक बार हाथ खड़ा कर देंगे। हाँ सुरेंद्र धीमान, हाथ तो नहीं दिख रहा इनका है, नहीं हाथ अब सामने आया हाथ। हाँ सुरेंद्र जी, हाँ सुरेंद्र जी, सर दो चीजें हैं, दो टीचर से आपके लगातार ध्यान भी आ रहे हैं कि थर्ड वेव हो सकता है या ना, लेकिन हमने कैरी किया है, तो थर्ड वेव की कैरी क्या किया है ये थोड़ा सा आपकी तरफ से विस्तार से भी बता पाए हम क्या करें। नंबर दो, एक बच्चे के बारे में बताया जा रहा है, बच्चों को भी ये हमारी लग सके बहुत ज्यादा संख्या में, उसके लिए आपकी क्या कैरी, ये थोड़ा सा क्लैरिटी अगर हो जाएगी तो हमें थोड़ा पता लग जाएगा। देखिए सुरेंद्र जी, ये सब संभावित चीज़ें हैं, तो संभावित चीज़ों में जो पहले वाली चीज़ें जो कमियां रही हैं तो उनको पूरा करना है, और उनको पूरा करने के बाद अब ये बच्चों वाली बात तो एक भविष्यवाणी कहें या कोई एक्सपर्ट है उनकी ओर से कोई उनको अनुमान है उस नाते से कही गई है। कुल मिलाकर के तो जो कोरोना दोबारा से अगर आता है तो उसकी सामान्य जितनी तैयारियाँ हैं वो तो पूरी करनी है। जैसे इस बार ऑक्सीजन की सबसे बड़ी कमी आई, तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन उपलब्ध रहे, उसमें सिलेंडर्स पूरे मिलें, उसके जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं उसकी संख्या हमने प्राप्त की है, उसके अंदर जो पीएसएज हैं ऑक्सीजन को निर्माण करने के लिए, ये हमने हर अस्पताल में लगाने की बात की है, और इसको पीएचसी से लेवल तक, सीएचसी और पीएचसी जिसमें पहले ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती थी, अब हर जगह छोटे बड़े सिलेंडर वो उपलब्ध रहने चाहिए। यहाँ तक हमने जो आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हैं, हमने कहा जिन गाँव के अंदर ये समस्या ज़्यादा है वहाँ भी सिलेंडर जो है लेकर के जाने चाहिए। तो ऐसा जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने इक्विपमेंट्स हैं, उनकी पूर्ति होनी चाहिए। वार्ड्स में बेड की संख्या ये कम नहीं होनी चाहिए, ये सारी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। आज हमारे पास बेड्स की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन बेड्स सब मिलाकर के 19,500 हैं, और इसके अतिरिक्त बाकी सामान्य बेड्स 45,000 हैं, और जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उसमें भी लगभग 50,000 बेड्स अलग से हैं, तो 1,00,000 से ऊपर बेड्स हमारे पास हैं। और इसके लिए संस्थाएँ, उनको भी हमने तैयार किया है कि अगर कहीं कोविड ऐसा बढ़ता है तो इसमें सब कामों को छोड़कर, सामान्य कामों को छोड़कर कोविड के लिए सब आगे आए, कोई भी काम जो उस समय जिम्मे लगेगा इसके लिए समाज तैयार है। तो यही हमारी तैयारियां हैं, उन तैयारियों में किसी को, जहाँ तक बच्चों के वार्ड की बात है, ये भी हमने डिपार्टमेंट को कह दिया है कि सब जगह बच्चों के बेड्स, बच्चों के वार्ड्स, उनके जो अलग से जो उनके लिए इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको सबको भी प्रोक्योर करें, ताकि कोई ऐसी समस्या आए तो उस समय कमी ना पड़े। डिपार्टमेंट्स तैयारी अपनी कर रहे हैं, क्योंकि हमने मई में लॉकडाउन लागू किया था, तो इस बार जर्मनी को कितना असर पड़ पाया, अगर आप कोई डाटा आया हो फाइनेंस की तरफ से, इस बार रेवेन्यू कुछ चीजों में थोड़ा कम हुआ है, जैसे एक्साइज, क्योंकि शराब की दुकानें बंद हो गई तो एक्साइज का रेवेन्यू थोड़ा घटा है, बाकी चीजों का बहुत कम नहीं हुआ है। जीएसटी में जो बाजार के अंदर बिक्री कम हुई, थोड़ा जीएसटी थोड़ा एक्साइज, इसके अलावा हमारा रजिस्ट्रेशन का कोई कम नहीं हुआ है, माइंस का कम नहीं हुआ है, ट्रांसपोर्ट तो जैसे पहले ही कम संख्या में चल रहा था, जो पिछले साल का चल रहा वही ट्रांसपोर्ट का अभी भी चल रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन इसकी इनकम हमें अच्छी हुई है। तो इसलिए कोई इतना बड़ा जैसे पिछली बार एकदम बहुत डिप हो गया था, ऐसा डिप इस बार नहीं है, जितना थोड़ी बहुत कमी पड़ी है उसको हम पूरा कर लेंगे। हाँ तो इधर चंद्रशेखर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे जो जर्नलिस्ट हैं जो जिनकी डेथ हो रही है उनके परिवारों के लिए कोई पेंशन योजना या कोई और, क्योंकि एक्रेडिटेड और नॉन एक्रेडिटेड दो क्राइटेरिया हैं, उनमें जिनकी डेथ हुई उसमें इंश्योरेंस की तो बनाई है। हाँ तो ऐसा है चंद्रशेखर जी, उसमें हमने जैसे आपको ध्यान में होगा पिछले साल जो घोषणाएं की थी उसमें ये दो बड़ी घोषणाएं थी, एक तो पेंशन की थी वो लगातार हमारी चल रही है, और दूसरा जो एक्रेडिटेड जितने भी पत्रकार थे उनके लिए हमने 5,00,000 रुपए की इंश्योरेंस की पॉलिसी बनाई हुई है। बल्कि इस बार दुर्भाग्य से जो लोग अपने बीच में चले गए हैं उसमें 3 या 4 लोगों ने तो उस योजना के अंतर्गत 5,00,000 रुपये की राशि का उनको लाभ मिला भी है, तो इसलिए इंश्योर्ड हैं जो एक्रेडिटेड पहले से ही।
और नॉन एक्रेडिटेड के लिए सर कुछ विचार? चलिए कोई देख के परिवारों के लिए सोचेंगे, वो तो कोविड में जो गए हैं उनको तो जैसे 2 लाख रुपए की योजना बनाई है सबके लिए, तो उसके अंदर वो शामिल होंगे ही, कोई और योजना होगी तो बताएंगे। 2 लाख रुपए तो सबको मिलेगा। ठीक है सर, थैंक जी। हाँ मनवीर सैनी जी। मनवीर जी अनम्यूट करो, अनम्यूट अनम्यूट। हाँ ठीक है, नमस्कार सर। जी जी नमस्कार सर, मेरे यही जानकारी में चाह रहा था नंबर एक की हमारे हरियाणा में अब तक ब्लैक फंगस से कितनी डेथ्स हुई हैं, एक। दूसरा, अब सेकेंड वेव ऑलमोस्ट चली गई है, आपने तैयारी भी बहुत की है, ऑक्सीजन वगैरह भी हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट हुआ, लेकिन एक बात आज तक फिर चल रही है वो है टेक्नीशियंस की, अपना जो इक्विपमेंट है उनको हैंडल करने वाले टेक्नीशियंस की और स्टाफ नर्सेस की शॉर्टेज की। ये कमी तब भी थी, ये कमी आज भी है, इसके लिए क्या किया जाएगा? और एक छोटा सा सवाल और था सर, पिछले साल आपने ये वेबिनार्स किए थे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, FDIs के लिए कि कुछ कंपनीज हमारे यहाँ पे आएंगी, तो उसकी आज की अपडेट क्या है? मनवीर जी, जहाँ तक स्टाफ की कमी का विषय है, हमने पिछले हफ्ते में डिपार्टमेंट को कहा है कि जो आवश्यक स्टाफ है कोविड के विषय को लेकर के, इनकी सबकी स्पेशल भर्ती, उसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, टेक्नीशियंस हैं, तो डिपार्टमेंट योजना बना रहे हैं इसको। हम पहला काम तो ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीव्यू से हमको बाहर निकालना होगा, फिर एक कमेटी नई बना करके और उनको जो उनकी मेरिट है, जो उनकी क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के आधार पर विदाउट टेकिंग एनी एग्ज़ाम और उस मेरिट के ऊपर ही और वॉक-इन इंटरव्यू करके और जो उनमें योग्य व्यक्ति होंगे उनको हम लेंगे, ऐसा डिपार्टमेंट इसकी योजना बना रहा है। इसी प्रकार जो आपने वेबिनार इन्वेस्टमेंट के कहे हैं, देखिए हर चीज़ का अपना एक समय होता है, एक वातावरण होता है। अब जब से ये कोविड है, इंडिविजुअल बातचीत तो हमारी चल रही है, उसमें वेबिनार के माध्यम से कुछ जगह पर हमने बातचीत की भी है, और वो क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है, तैयारियों में लोग लग जाते हैं, किसी को ज़मीन खरीदनी है, किसी को लाइसेंस लेना है, किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट का इंतजाम करना है, तो जो इंटरेस्ट दिखाते हैं उनके साथ हम बात करते हैं, लेकिन कोई खुले इस प्रकार के कोई उनको वेबिनार सेमिनार बुला करके अभी थोड़ा सा जैसे वातावरण कोविड के इसमें से बाहर निकले, ये उसके बाद ही समय पर विचार करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तो पिछले 2 महीने से हम ही जिस प्रकार के सारी सोच में थे, प्राथमिकता हमारी इस कोविड से बचाव करने की थी, बाकी चीज़ें और एक 15 दिन बाद, महीने बाद विचार करेंगे। सर एक बात छोटी सी और थी, जिस तरह से कोविड के केसेस कम हुए हैं हरियाणा में, इस चीज का श्रेय आप किसको देंगे? आपके मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ को देंगे या जो समय चला वो समय निकल गया? देखिए अब मैं किसी एक को इसका श्रेय देता हूँ, क्रेडिट देता हूँ, तो मुझे लगता है दूसरों के साथ अन्याय हो जाएगा, इसलिए ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। इस एफर्ट में सब लोगों ने काम किया है, इसमें हमारे डॉक्टर्स ने जो जिसको कोरोना वॉरियर्स हमने कहा, उनका तो अपना रोल है ही है, फ्रंट लाइनर्स का भी है, लोगों ने जिन्होंने सहयोग किया, जिन्होंने कोऑपरेट किया उनको भी है, इवन जनता जिन्होंने एकता की भावना दिखाई और अपने आप को बचाव करने के लिए कोविड का जो ये बिहेवियर है, इस बिहेवियर का पालन किया है, तो वास्तव में तो ये एक ऐसी चीज़ है, किसी एक आदमी के करने से न उसको उपचार करने से वो रुक जाएगी ऐसा नहीं है, या किसी एक विभाग के उपचार करने से रुक जाएगी ऐसा नहीं है, ये सब लोगों को मिलकर के करना है, सब लोग लगे हैं इसमें, हमारे सारे डिपार्टमेंट में, चाहे वो पुलिस का डिपार्टमेंट है, चाहे वो अर्बन लोकल डिपार्टमेंट का है, ग्राम विकास का है, इसमें हमारे शिक्षा विभाग है, आखिर शिक्षा विभाग में भी बहुत बड़ा योगदान किया कि बच्चों ने, उन बच्चों ने कितना सेक्रीफाइस किया कि जो पढ़ाई में सीधे सीधे अपने इंस्टीट्यूशन में ना जा करके घर में बैठे हैं, कोई ठीक से पढ़ाई कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, व्यवस्थाएं भी हमने बहुत देने की कोशिश की है, लेकिन पूरा एक स्ट्रक्चर बदलने के बाद और ये एक बिहेवियरल चेंज होता है, तो इसमें बहुत लोगों का योगदान है, किसी एक को क्रेडिट देना मुझे उचित नहीं लगता। सर बस वो ब्लैक फंगस वाली डेथ्स का रह गया, वो आप किसी अधिकारी को कह रहे कि नहीं, मुझे 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 मालूम है, मुझे मालूम है 50 डेथ्स हुई हैं, 58 लोग ठीक होकर के घरों को जा चुके हैं और लगभग 650 लोग आज भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक, आगे आशीष अग्रवाल जी।
नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्कार आशीष जी। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि कोरोना के बाद अब जो ब्लैक फंगस की बीमारी आई है उससे जुड़े जो इंजेक्शन है उसके लिए कमेटी तो बना दी गई, लेकिन जो संबंधित अस्पताल है उनका ये तर्क है कि उनको कमेटी से समय पर रिप्लाई नहीं मिल पाता और वो कमेटी को संपर्क भी नहीं कर पा रहे और परेशान जो मरीज के परिजन है वो हो रहे हैं, तो इसके लिए कि कोऑर्डिनेशन कुछ बेटर हो उनके बीच में, इसको लेकर क्या कुछ हिदायतें दी जाएंगी, क्योंकि ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनके परिजन बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं इसको लेकर। सर देखिए आशीष जी, पहली बात तो यह है कि सबसे बड़ा संकट इसमें स्टॉक अवेलेबिलिटी का है। अब पहले शुरू के दिन जब ये कोरोना हमारे ध्यान में आया तो उस दिन सारी दवाइयां बाजार से गायब हो गई थी, सिर्फ पहली खेप में हमको 200 ही इंजेक्शन मिले थे और 200 इंजेक्शन देखा जाए तो गंभीर मरीज हैं, दो मरीज भी ठीक नहीं हो सकते उससे, फिर बाद में 400 और मिले, 600 हुए, बढ़ते बढ़ते फिर अब लगभग 6,000-6,500 भी मिले हैं। 6,000-6,500 का भी मैं देखता हूँ तो उसको अगर 50-60 भी लगाते हैं हम इंजेक्शन तो भी कितने 60 पेशेंट को 6,000 लग जाते हैं। पेशेंट अभी 550 से यानी 600 के आसपास जो हॉस्पिटल में इस समय इलाज हो रहा है, लेकिन अभी 2,000 इंजेक्शन हमको अगले दो दिन में मिलने वाले हैं, 5,000 का और हमने ऑर्डर दिया है। अब चूँकि 5 नई कंपनियों को भी केंद्र सरकार ने उनको लाइसेंस दे दिया है और जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा मैं समझता हूँ इसका जो रेप्लिकेशन होगा उसका रिपीटेशन जो होगा वो प्रोडक्शन का बड़ी मात्रा में होगा और ये एक एक्सपेंशन के जो काम चल रहे हैं इसमें सरकार ने हर प्रकार की सुविधाएं दी हैं, केंद्र सरकार ने भी दी है, हमने प्रदेश सरकार में भी 500 करोड़ रुपये का एक बजट बनाया है, एक फंड बनाया है कि अगर कोई कोरोना या कोरोना से रिलेटेड अभी ये ब्लैक फंगस इसके इलाज के लिए कोई दवाई बनाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता है, कोई और इन्वेस्टमेंट करता है, उसके पास पैसा नहीं है तो विदाउट इंटरेस्ट 1 साल के इंटरेस्ट को भी हमने फ्री कर दिया, वो बैंक से पैसे ले और अपने काम को चालू करे। तो बहुत सी कंपनियां अब आ गई हैं, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग फेज जो बहुत कठिनाई का था उसमें से हम निकल गए हैं। अब उसका एक प्रोसीजर बनाया है कि जो फिजिशियन है इलाज करने वाला उसका एक प्रोफॉर्मा है, प्रोफॉर्मा भर करके उनको ऑनलाइन भेजना होता है, ऑनलाइन जो कमेटी बनी है उस कमेटी को भेजते हैं, कमेटी उसका अध्ययन करती है। दो कठिनाइयां कमेटी की होती हैं, एक तो ये कि जिनके लिए वो समझते हैं कि इनको अभी बहुत आवश्यक नहीं है ब्लैक फंगस, क्योंकि जनता को या अभिभावक को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता दवाई का कि कौन सी दवाई इसको लगेगी, कमेटी तय करती है कि इसको अभी आवश्यकता नहीं है, और दूसरा स्टॉक के बारे में भी उस कमेटी को बताया जाता है कि आप लोग जितना स्टॉक है उसके हिसाब से ही रिकमेंड करें, अगर मानो रिकमेंडेशन ज़्यादा वो करते हैं स्टॉक है नहीं तो बहुत बड़ी दुविधाएँ पैदा हो जाएंगी, तो इसलिए वो सारी चीज़ें तालमेल करने के बाद कमेटी ऑनलाइन लेती है जानकारी, ऑनलाइन ही वापस 24 घंटे के अंदर उनको बता देते हैं कि हाँ अब आपको इंजेक्शन ये चाहिए, तो इंजेक्शन ज़रूर कम हैं, लिमिटेड मात्रा में मिलते हैं ताकि एक व्यक्ति, क्योंकि वो ये बीमारी बिल्कुल ऐसी भी नहीं है जिसके कारण से और कोई अचानक को तबीयत खराब होती है, ये बहुत ग्रेजुअल तरीके से आगे बढ़ती है, तो इसका इलाज भी कम से कम 8 दिन से लेकर 1 महीने तक इंजेक्शन दिए जाते हैं, किसी के 8 दिन में इंजेक्शन ठीक हो जाते हैं, किसी को 10 दिन लगते हैं, 15 लगते हैं, 20 लगते हैं, 1-1 महीने तक इंजेक्शन लगते हैं और 2 से 5 प्रतिदिन की अलग अलग उसकी डोज भी है, तो ये सारी चीज़ें जो डॉक्टर्स हैं वही अच्छे प्रकार से बता सकते हैं, हमारा काम मुख्य है कि स्टॉक कैसे उपलब्ध हो ज़्यादा, ये काम हम करते हैं। जी मनोज कुमार जी। मुख्यमंत्री जी धन्यवाद, आपने एक बार मौका दिया फिर से पूछने का सवाल। मैंने दरअसल आपको व्हाट्सएप भी किया था सवाल, मैं उन्हीं को संक्षेप में पूछना चाहता हूँ आपसे। एक तो सर जो कल मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आपने शुरू की है, ऐसे प्रदेश में कोई आंकड़ा आया था कि कितने बच्चे हैं जो पहली और दूसरी लहर के दौरान अनाथ हुए हैं, उनकी संख्या क्या है, और क्या अगर कोई बच्चा अगर उसका माता पिता में किसी एक की मृत्यु हुई है तो भी क्या उसको ये लाभ मिलेगा, और ये कैसे डिटेक्ट करेंगे सर कि आगे आपने देख दिया कि कमाने वाले की अगर मृत्यु होती है तो। एक छोटा सवाल दूसरा इसमें राजनीति से जुड़ा ये है, आपने हमेशा कहा कि विपक्ष को भी सरकार का साथ देना चाहिए, मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने आज तक कोई संसदीय बैठक ही नहीं बुलाई, ना कोई हम पर कभी सुझाव मांगा है, जबकि बाकी सदन को गए इस तरह की चीजें हो रही हैं। जी देखिए मैं पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ, मानसिकता किसकी क्या है ये इसके ऊपर निर्भर करता है। पिछली बार हमने 4-5 बार विपक्ष के सब लोगों को साथ बुला करके एक ऑल पार्टी मीटिंग की थी, और आप लोगों को ध्यान है कि नहीं, मुझे तो ध्यान में है कि जैसे ये शुरू हुआ
इस बैठक की ऑफर मैंने स्वयं दी थी आगे बढ़ करके, उनका हाँ ठीक है बुलाना चाहिए, प्रत्यक्ष तो नहीं मिलते थे लेकिन ऑनलाइन जैसे आज हम चीज बातचीत कर रहे हैं वैसे ही हमने 5 बार ये बैठकें की। जो सुझाव उन्होंने दिए अच्छे सुझाव दिए, उसको हमने लागू भी किया, लेकिन मानसिकता में वो गड़बड़ नहीं थी जो गड़बड़ आज देखने को मिलती है। आज तो आलोचनात्मक रवैया ज़्यादा है, सहयोगात्मक रवैया ना के बराबर है। मैं कहता हूँ कि मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक पत्र लिखा था, वो सारा पब्लिक हुआ है, मैं तो उस पत्र को पढ़ करके और उस पत्र का जवाब देने का भी मैंने मुझे लगा कि इसका जवाब ही नहीं देना चाहिए, मैंने उसको इग्नोर ही कर दिया। इग्नोर करने का कारण था, कारण यह था कि उनमें आलोचनात्मक इतनी ज़्यादा भरमार थी और राजनीति करने की जो मानस है वो ज़्यादा दिख रहा था बजाय उसके सहयोगात्मक। मैं उस पत्र के कुछ अंश वो पढ़ करके मैं आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि सरकार की समय रहते सरकार ने तैयारियां नहीं की और महामारी की गंभीरता को नहीं समझा। मैं कहता हूँ महामारी को नहीं समझा, अगर समझते नहीं तो इतना जल्दी हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, काबू नहीं कर पाते। अगर नहीं समझा तो उन्होंने नहीं समझा, क्यों? ये महामारी फैलने में जितने भी नए फैक्टर्स थे उन फैक्टर्स में एक था ये जो आज चल रहा आंदोलन है, जिस आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, हजारों की संख्या में जाके बैठते हैं एक दूसरे का, कोई जो कोरोना को दूर करने का जो मर्यादाएं हैं जो बिहेवियर है उसका वो पालन नहीं करते, उनको अपील एक बार भी नहीं की। बल्कि उसी पत्र में उन्होंने आगे चल के लिखा है कि आप जो है किसानों को इतने समय हो गए हैं धरने पर बैठे हैं, आप उनसे बात नहीं करते। हमने कहा भी हम बात करें ना करें, हमने तो अपील की है, एक बार आप अपील आप भी कर दें, आप अपील करें कि ये किसानों का इस प्रकार के धरने ठीक नहीं है, क्योंकि पहले तो मानते नहीं थे, आज सब लोग मान चुके हैं कि जहाँ जहाँ किसानों के धरने देने वाले लोग जिन जिन गाँव से ज़्यादा गए हैं उन गाँव में मृत्यु की दर जो पिछले साल मृत्यु हुई थी उससे 6 गुना 7 गुना 8 गुना 10 गुना तक हुई है। और वो अगर कहेंगे कि हाँ कोरोना से नहीं हुई है, तो कोरोना से नहीं हुई तो और तो कोई महामारी इस समय है नहीं, हमारी तो कोरोना ही है। और कोरोना में हम टेस्ट नहीं कराएंगे, टेस्ट नहीं कराएंगे तो कैसे पता लगेगा ये मृत्यु कोरोना से हुई है कि वैसे हुई है। नेचुरल डेथ का एक सिस्टम होता है, नेचुरल डेथ 1% से ज़्यादा पूरे साल में ये होती नहीं है, तो 1% से 2% लगा लो, ज़्यादा कभी हो भी जाए तो। लेकिन इस बार तो कितनी मृत्यु हुई है एक एक गाँव में, यानी 1-1.5 महीने में ही 1% हो गई है। तो इसलिए हाँ बिल्कुल हमने ला। अब उसके बाद वो कहते हैं कि किसानों के आंदोलन के कारण से किसानों से COVID-19 के प्रोटोकॉल और लॉकडाउन के अनुशासन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी इतना बड़ा आंदोलन का विषय हो गया कि कोविड से बड़ा खतरनाक है क्या? वो कोविड का खतरा ये सबसे ज्यादा है। और वो अपने पत्र में लिखते हैं कि किसानों से अपेक्षा ही मत करो, ये किसानों को कहो ही मत। यानी जिस चीज में फंडामेंटल उनके हमारी सोच में अंतर है तो उनको बैठक में बुला के करेंगे क्या? तो इसलिए वो केवल एक इन चीजों को लेकर के इस समय में सिवाय राजनीति करने के उनके पास और कोई विषय नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो लोग तो पहले ही लाइन में लिखते हैं कि आपके पास नेतृत्व नहीं है, आपके पास सोच नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, सरकार उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करने में विफल रही है। अगर वो मुझे बुलाने से पहले मुझे रहेंगे आप तो विफल हैं, तो फिर मुझे आपको बुला करके अपनी सफलता का कारण आपको तो नहीं बुलाना, सफल होना तो मुझे अपने आप ही होना है, मुझे आपसे ये सीख लेनी कि मैं सफल कैसे होऊंगा। आपसे ज़्यादा बढ़िया सरकार तो हम चला रहे हैं, पिछले बार भी चलाई आज भी चला रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर इसी प्रकार से वो चलते रहे तो 2029 तक तो बिल्कुल सपना ही ना ले दोबारा आने का, 2029 तक तो यही सरकार चलेगी। आज लोग जले भुने बैठे हैं उनके कामों से, उनके व्यक्तित्व से, उनकी उनके भाषणों से कि किस प्रकार का यानी चाहे उनका केंद्रीय नेतृत्व हो कांग्रेस का, चाहे इनका प्रदेश नेतृत्व हो, जैसे राष्ट्र देश विरोधी और प्रदेश विरोधी जितने भाषण कलाकार कार्यकलाप करते हैं तो उसमें उनको अपने गृहबान में झांकना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं। इसलिए अब वो जो कुछ लिखते हैं बाद में एक दूसरा पत्र उन जनता को लिखा, केवल इस मेरे पत्र की जो मुझे पत्र लिखा इसकी खींच मिटाने के लिए जनता को फिर 100 शब्दों में 100 भाषा में उन्होंने पत्र लिखा, वो भी हमने पढ़ा है। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ कि जनता से अपेक्षा भी की है, अपना उन्होंने वक्तव्य बताया कि हम भी सहयोग करना चाहते हैं, महामारी भयंकर है, इससे बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये बात वो किसानों को भी कह सकते हैं क्योंकि किसान राजनीति का एक हिस्सा उनके लिए बने हुए हैं, यानी सारा किसान नहीं है, पूरे किसानों में हमने विश्लेषण कराया है, एक मुट्ठी भर लोग
जो किसान नेता इस नाते से बने हुए हैं, केवल उनकी अगुवाई करते हैं और उस नाते से उनको भड़काते हैं, और वो एक मृग मृचिका में बैठे हैं कि शायद हमारी गाड़ी इस आंदोलन को सपोर्ट करके पार हो जाएगी, ये भूल में बैठे हैं। इसलिए उनको ज़रूर इसका विचार करना चाहिए। और जहाँ तक पारदर्शिता की बात है, वो कहते हैं पारदर्शिता, जितनी पारदर्शिता हम बरत रहे हैं, आज जितने खुल करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कभी उन्होंने खुल के बात की? कभी नहीं की। हम हर चीज़ पब्लिक को बताते हैं, पब्लिक से जानकारी लेते हैं और फील्ड में काम करते हैं। आज 8000 टीमें हमारी गांव-गांव जा करके और घर घर में एक एक व्यक्ति की जांच कर रहे हैं, और जांच करने के बाद 3000 लोग ऐसे जांच के माध्यम से हमने निकाले हैं जिनको कोविड है। अगर वो कोविड पॉजिटिव 3000 लोगों को न निकाल पाती हमारी टीमें, तो 3000 कितने गुना लोगों को आगे कोविड फैलाते, बहुत फैलाते। तो इसलिए रूट लेवल पर काम करना, किस व्यक्ति का क्या कठिनाई है उसको दूर करना, और किसानों की कठिनाइयाँ भी हमको ध्यान में, किसानों के लिए कितने ही हमने काम किए हैं, किसानों के लिए हमने प्रोक्योरमेंट शायद हर प्रदेश से ज़्यादा बढ़िया प्रोक्योरमेंट का विषय हरियाणा में आज है। प्रोक्योरमेंट की फसलें, बाकी प्रदेश आसपास के दो फसलें धान और गेहूँ, तीसरी चीज़ प्रोक्योर नहीं करते, हम 10 फसलें प्रोक्योर करते हैं। हम अपने पड़ोसी राज्यों के भी प्रोक्योरमेंट में उनकी सहायता करते हैं, चाहे वो गेहूँ हो। चोरी चोरी लोग बाजरा भी आकर के यहाँ बेचते हैं, 800 रुपये क्विंटल का फर्क है बाजरे का। तो हम इतनी सारी चीज़ें प्रोक्योर करते हैं। किसान को सीधा पैसा अगर दिया है तो हमारे देने के बाद फिर पंजाब को मजबूरन वो देना पड़ा है। मंडी व्यवस्था हमारी सबसे बढ़िया है। हमने पेमेंट लेट होने पर, चाहे एक दिन दो दिन तीन दिन लेट हो, हमने लेट होने पर उनका इंटरेस्ट दिया है। लगभग 1 करोड़ रुपया इंटरेस्ट का गया किसानों को, जो आज तक कभी किसी ने दिया नहीं। कहने को भले ही कहा होगा, लेकिन एक एक दिन का इंटरेस्ट काउंट करके उनको दिया है। तो मेरे मित्र, हम लोगों ने जितना किया है उसके पासंग भी कहीं उतर नहीं सकते किसान, ये अपने हमारे कांग्रेस के बंधु, हमारे नेता। इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में मानस इनका ठीक हो तब कोई हर्ज नहीं बुलाना, भी बुलाया जा सकता है। हाँ, और योगेंद्र जी, योगेंद्र शर्मा, हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, अनम्यूट करो योगेंद्र जी, अनम्यूट जी। हाँ, मेरे दो ही सवाल आपसे हैं। वैसे मैंने सुबह भी लिख के भेज दिए थे सवाल। जी जी। एक तो जैसे आपने अभी अपोजिशन की बात की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार बहुत गंभीर किस्म के आरोप केंद्र पे और जो है बीजेपी शासित राज्यों पे लगा रहे हैं। अभी उन्होंने लास्ट में ये कहा कि ये जो केंद्र ने राज्यों के ऊपर जिम्मेवारी डाली है वो ऐसा हो गया जैसे पाकिस्तान से युद्ध चल रहा हो और केंद्र ये कह रहे कि भाई अपनी अपनी रक्षा आप करें सारे राज्य। पहला सवाल तो सर एक तो ये है मेरा, दूसरा एक बहुत बड़ा विवाद अभी हुआ है। नहीं नहीं, पहले 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 पहला सवाल और पहला की जो लड़ाई है, मैं क्या कर रहा हूँ उसमें बाबा रामदेव योगेंद्र जी, पहला सवाल पूरा करिए कि कौन सी बात को कह रहे, वो कह रहे कि प्रदेशों पर जिम्मेवारी डाली है, कौन से विषय को लेकर कहा? वो जो जो राज्य को कहा है ना, ग्लोबल टेंडर करने कई चीजों के लिए जो केंद्र ने निर्देश दिया कि अपने हिसाब से वो डिसीजन ले लें, वैक्सीनेशन की शॉर्टेज और तमाम चीजों को लेकर उन्होंने सवाल उठा दिए कि भाई ये तो युद्ध की स्थिति है और हमारे ऊपर डाल दी। एक तो सर ये है। अच्छा, दूसरा मेरा ये था कि जो बाबा रामदेव वाला अभी विवाद हुआ है, आयुर्वेद और आईएमए का जो डिस्प्यूट चल रहा है उस पे अभी आपने कुछ नहीं कहा, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पहला विषय जो केजरीवाल का स्वर है और हमेशा जो आलोचनात्मक स्वर, मैं बताता हूँ, अगर इस महामारी में इकट्ठे होकर के चलने का स्वभाव हो तो अलग ही उसका प्रकार होता है, लेकिन जो राजनीति करने के प्रकार हैं, चाहे मैंने यहाँ हुड्डा जी की बात कही है और वही बात केजरीवाल के ऊपर लागू होती है कि आज महामारी अगर आई है, स्वास्थ्य का विभाग देखा जाए तो ये अपने आप में प्रदेश का विभाग होता है, चाहे स्वास्थ्य है, कितने विभाग ऐसे हैं जो प्रदेश के ही जिम्मे होते हैं। केंद्र तो एक महामारी के होने के नाते से उसमें सहयोग की भूमिका में आती है कि आपको कोई सहयोग की आवश्यकता हम करेंगे, और हम करेंगे तो उसके अंदर कोरोना के वैक्सीनेशन के टीके सारे आज तक तो केंद्र की ओर से आ रहे हैं, और केंद्र की ओर से आ रहे हैं तो उसमें अब जैसे दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, हमारी आबादी 2,90,00,000 है, तो कुल मिलाकर के आज भी अगर रेशो से देखें तो दिल्ली के लोग 51,00,000
वैक्सीनेशन के उनको मिल चुके हैं इंजेक्शन, अगर उनको 51 लाख 2 करोड़ के हिसाब से मिले हैं तो हमको ये 74-75 लाख मिल जाने चाहिए थे, हमारे यहाँ भी 58 लाख आए हैं। तो देखा जाए हरियाणा और दिल्ली तुलना कर लें तो दिल्ली को वैक्सीनेशन के टीके ज़्यादा मिले हैं, हरियाणा को कम मिले हैं। और अगर दूसरे प्रांतों का भी लगाएंगे आप पर मिलियन अगर पॉपुलेशन का हिसाब लगाएंगे तो दिल्ली को इंजेक्शन सबसे ज़्यादा मिले हैं। फिर अगर वो कहेंगे इंजेक्शन नहीं मिल रहे, इंजेक्शन नहीं मिल रहे और उठा करके जितना स्टॉक आएगा, अब जितना स्टॉक आएगा मिलेगा तो सारे देश को, अकेली दिल्ली को तो नहीं मिल सकता, और सारे देश को मिलेगा तो प्रोपोर्शनली प्रोरेटा मिलेगा। और क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि हरियाणा यानी अपने देश के अंदर सब अपनी ही प्रोडक्शन और हम बना रहे हैं और बनाने के बाद दे नहीं रहे हैं, बहुत चीज़ें इसमें रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता है, अगर अपने देश में बनता भी है तो सारी चीज़ अपने आप नहीं बना सकते। दूसरे जो बाहर के इंजेक्शन है, स्पुतनिक इंजेक्शन है, उसका हमने यानी रजिस्ट्रेशन उसका किया है, और भी कंपनियां जो कर रही हैं तो सभी प्रदेश बाहर से मंगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिनको जल्दी चाहिए मंगा सकते हैं, केंद्र तो आज भी दे रहा है, जो आज देगा वो आगे भी लगेंगे। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों से आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं, आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक ख़त्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000-60,000 रोज़ करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए, वो सूझबूझ रखने के बजाय राजनीति करने का उसका मानस है, वो करता है। और विपक्ष के लोग अगर महामारी पर भी करते हैं तो भगवान भला करे उनका, इसलिए महामारी पर राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा उनको भी एक सलाह है। जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, देखिए इसमें बहुत समय से, प्राचीन काल से आयुर्वेदिक हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र बिंदु रहा है, बाद में एलोपैथी ये आगे बढ़ी, इसके ऊपर काम हुए, रिसर्च हुई, एलोपैथी ने भी देश और दुनिया के अंदर अपना एक स्थान बनाया है। इसके बाद बहुत सी ऐसी फोर्सेज हैं जो इन सबका कम्बिनेशन करके कि भी एलोपैथी भी चलनी चाहिए, आयुर्वेद भी चलना चाहिए, दोनों के कम्बिनेशन के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसे समन्वयवादी जो चिकित्सक हैं, चिकित्सा के जो विशेषज्ञ हैं, बहुत बड़ी संख्या में आगे आ गए हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आयुर्वेद एलोपैथी को ना माने, एलोपैथी आयुर्वेद को ना माने, ये दोनों एक्सट्रीम हैं। मैं दोनों एक्सट्रीम में से किसी भी सहमत नहीं हूँ, इनको सबको तालमेल बैठा के आगे बढ़ना चाहिए। हम कम से कम तालमेल बैठा के बढ़ रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेद की दवाइयाँ हों, चाहे एलोपैथी की दवाइयाँ हों, जो जिसके मन में विचार आता है, जो जिसको सूट करती है, वो उसके हिसाब से वो चलता है, इसलिए इस नाते से समय बैठा के चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने, इतना सबने अच्छे प्रश्न किए और अच्छा सहयोग किया और सारे प्रश्न सामने आए, आपके माध्यम से जनता को ये पहुँचे, ये मेरी अपेक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद।